हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायग्नोसिस सॉकेट के बारे में। इसमें ऐसा चाबी स्विच का करंट नहीं आ रहा, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो 25 नंबर का 25 का फ्यूज हमारा उड़ जाता है, लेकिन ये डायग्नोसिस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं और क्या करना, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये OBD कनेक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्नोसिस कनेक्टर। इसमें जो डायरेक्ट करंट जो रहता है वो आ रहा है, लेकिन हमारा इग्निशन कोड का करंट ऊपर साइड में नहीं आ रहा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें जैसे ही हम अपने गाड़ी के अंदर फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, ये 25 नंबर का फ्यूज इसका रहता है, 25 नंबर का। अभी हम चेक करेंगे, पहले 25 का जो कि फ्यूज हमने निकाल कर रखा हुआ। लगाने के बाद हम जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फ्यूज जो है वो जल जाएगा, मतलब ख़राब हो जाता है। जबकि आप देखेंगे तो इसमें कारबा आ रहा, मतलब GM से जो है लाइट आ रही है। इसके अंदर जो बोल्ट 24 बोल्ट का करंट आना चाहिए वो आ रहा है। अब देखेंगे नीचे की साइड में जो आता है 24 बोल्ट का करंट, ये आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा। यानी ये फ्यूज हमारा लगाने के बाद जैसे हमने स्विच ऑन किया ख़राब हो गया। अब हम इसको निकालेंगे और समझेंगे ये क्यों जो है उड़ रहा है, फ्यूज ख़राब हो रहा है, और जो हमारा OBD कनेक्टर है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी डायग्नोसिस जो है हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हम। तो इसको जो है हमें कभी भी डायग्नोसिस करना होता तो विदाउट कंप्यूटर ही करना पड़ता, क्योंकि कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो आप किस तरह से जो है कनेक्ट करेंगे। वैसे तो इसका कंप्यूटर के अंदर भी बायोडायग्राम आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको हमने जैसे देखा 25 नंबर फ्यूज, ये हमारा अपना सोच है, 25 नंबर फ्यूज उठ रहा है। तो 25 में हमने देखा तो इसमें एक रिले कनेक्ट है 4 नंबर के, उसके बाद हमारा आउटपुट जो है एक्स 13 के 14 नंबर पिन पे जो है करंट इसका जा रहा है, चाबी स्विच का करंट, जो कि डायग्नोस्टिक सॉकेट है। ये इसकी लोकेशन का अंदर के साइड में है इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका लोकेशन है, आप देखेंगे टोटल 15 तार हैं। नीचे साइड में आएंगे तो देखेंगे आप डायग्नोस्टिक 25 नंबर फ्यूज 10 एम्पेयर और टर्मिनल 15। टर्मिनल 15 जो होता है वो हमारा रहता है चाबी स्विच का करंट। अब हम इसको करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करना है, तो मतलब सोर्स सॉकेट तो इसमें कंपलसरी 100% है। तो हम सीधा चले गए बाहर की साइड में, क्योंकि 13 नंबर से अंदर ये दो तार जो है हमारे जा रहे हैं मार में। ये देखेंगे ये इसका पिन नंबर आएगा X6.2। ये दो तार रहेंगे, आप देखेंगे दोनों एक साइड में, जिनका कलर रहेगा सफ़ेद, ब्लू और ब्लैक, तीन कलर रहेंगे। इन दोनों का सॉकेट आप देखेंगे तो एक में ही कनेक्ट रहेंगे, एक ही पिन में दो रहेंगे। इनका पिन नंबर 8 रहता है। जैसे आप देखेंगे कि हमने जो तार है उसको कट किया हुआ है, इसके अंदर जो है हमारा प्लस का करंट आना चाहिए, लेकिन अभी हम जो इसे चेक कर पा रहे हैं आप देखेंगे तो इसके अंदर माइनस का करंट आ रहा है। अभी कन्फ्यूज़न रहता है, दो तार होते हैं तो उसमें ये नहीं पता चलता कौन सा तार जो है हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ। ये सबसे सरल उपाय, अभी देखेंगे इसमें प्लस का मतलब माइनस का करंट आ रहा है, तो माइनस का करंट जो है वो नहीं आना चाहिए, माइनस का करंट नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, दूसरा तार उसके साथ था उसको भी कट कर दिया है। अब चेक करेंगे किस में माइनस का करंट, यानी जो बॉडी के साथ अर्थ है उसमें माइनस का करंट आ जाएगा। अभी देखेंगे इधर नहीं आ रहा, यानी चेचिस के अंदर से सही है। ये नहीं, ओके, ये ख़राब है। जिसमें जल रहा है टेस्टर, ये मतलब अर्थ है, जिसमें जल रहा है वो कहीं ना कहीं अर्थ है, ख़राब है। तो क्या करेंगे, जो हमारा नहीं जल रहा था जिसमें टेस्टर, मतलब जिसमें माइनस का करंट नहीं आ रहा था, उस तार को हम जो एक ही तार को जोड़ देंगे और एक तार को डिसकनेक्ट रहने देंगे। उसके बाद हम फ्यूज़ को जो है कनेक्ट करेंगे और दोबारा से एक बार चेक करेंगे, फ्यूज लगाएंगे नया और चेक करेंगे अभी सही है या नहीं सही है। अभी हमने फ्यूज़ को जो है लगा दिया, अभी दोबारा से आके यहाँ पे चेक किया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है तार को जो है ज्वाइंट कर देंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, जैसे करना चाहिए हमें और गाड़ियों में जैसे हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और डायग्नोसिस के सॉकेट जो हमारा कनेक्ट नहीं होता है उसके लिए दिक्कत होती है, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाला, बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अभी हमने इसको माइनस के ऊपर लगा दिया, अभी देखो प्लस का करंट इसमें आ रहा है, यानी ये ओके हो गया, सही हो गया। अब हम जाएंगे अपने डायग्नोसिस सॉकेट पे, ओबीडी पे। ओबीडी में जैसे देखो मैंने लगाया, पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे करंट, अभी देखेंगे तो जो है पूरा 24 वोल्ट आ रहा है, जैसे कि मैं टेस्टर में बताया। अभी हम इसके बाद क्या अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एक्स्ट्रा पिनों में आप चेक करेंगे तो नहीं आ रहा है, मतलब कारोबार नहीं आ रहा है, दो में आना चाहिए, नीचे में फर्स्ट ऊपर में फर्स्ट में आना चाहिए, एक में चाबी स्विच का और एक में डायरेक्ट करंट हमेशा आता रहता है। अभी देखेंगे फ्यूज़ भी हमारा ओके है, तो क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को एक बार कनेक्ट करके देखेंगे अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी हमने ओबीडी को कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देखेंगे अभी जो है कनेक्ट होगा, बत्ती जलना शुरू हो गए तो यानी ये हमारा कनेक्ट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि उससे पहले जब भी हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते थे तो ये बताता था प्लीज़ ऑन इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच का एरर आता। जैसे कि देखेंगे अभी डायग्नोसिस सिस्टम चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो डॉक्टर्स से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।